टीम इंडिया के गब्बर यानी कि शिखर धवन ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। धवन ने इस बात का ऐलान सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए किया। गब्बर के संन्यास की खबर को सुनकर उनके फैंस काफी ज्यादा निराश हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके फैंस के लिए यह निराशा थोड़ी और बढ़ सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ओर जहां उन्होंने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो वहीं दूसरी ओर उनका आईपीएल में खेलना कुछ खास तय नहीं लग रहा। उनके संन्यास की खबर सामने आते ही फैंस के बीच इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या धवन ने आईपीएल से भी संन्यास ले लिया है। धवन ने अपनी वीडियो में आईपीएल करियर को लेकर कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी इस वीडियो में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के विजुअल्स का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद फैंस उनकी आईपीएल से भी संन्यास की अटकलें लगाने लगे हैं। शिखर धवन ने आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के लिए खेला है। वह विराट कोहली के बाद इस टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। कोहली ने अपने आईपीएल करियर में 8004 रन बनाए हैं, वहीं शिखर धवन के बल्ले से 6769 रन आए हैं। धवन ने यह रन 222 मैच की 221 पारियों में बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 51 अर्धशतक आए हैं। उन्होंने अपना आखिरी प्रोफेशनल मैच भी आईपीएल 2024 में ही खेला था। चोट के कारण वह पिछले सीजन सभी मुकाबले नहीं खेल सके थे। उनकी टीम पंजाब किंग्स भी 10 टीमों में 9वें स्थान पर रही थी। अब आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होना है। इस ऑक्शन में पंजाब किंग्स की ओर से धवन का रिटेन होना मुश्किल लग रहा है। टीम इंडिया के गब्बर साल 2008 में शुरू हुए आईपीएल के पहले सीजन से ही इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं, लेकिन वह एक बार भी इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी को नहीं उठा सके हैं। इन हालातों में धवन के करियर को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन का माहौल है। ऐसे में क्या धवन आईपीएल खेलना जारी रखेंगे या फिर कॉम्पिटेटिव क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास ले लेंगे, इसको लेकर क्लैरिटी सिर्फ वही दे सकते हैं। उनके इंटरनेशनल करियर की बात करें तो टीम इंडिया के मिस्टर आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,867 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से टेस्ट फॉर्मेट में 2,315 रन, वनडे में 6,793 और T20 इंटरनेशनल में 1,579 रन आए थे। गब्बर का इंटरनेशनल करियर अक्टूबर 2010 में शुरू हुआ था। उन्होंने भारत के लिए 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 T20 मैच खेले थे। एक वक्त था जब रोहित शर्मा के साथ उनकी जोड़ी दुनिया की सबसे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी में से एक थी। आईसीसी टूर्नामेंट में इस जोड़ी का कोई मुकाबला नहीं था। किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में इस जोड़ी का चलना टीम इंडिया के लिए जीत की गारंटी बन गया था, लेकिन पारिवारिक कारणों, गिरते हुए फॉर्म और नए नामों के टीम में आने से धवन के लिए भारतीय स्क्वाड के रास्ते धीरे धीरे बंद हो गए।